दोस्तों आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको प्रिंट शॉप बनानी हो, यानी आपका जो शॉप है उस शॉप को प्रिंट करने वाली शॉप अगर आपको बनानी हो तो किस हिसाब से बना सकते हैं, है ना। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही चीज़ जानेंगे कि आप ईकॉमर्स के अंदर भी, यानी वर्डप्रेस के अंदर भी, आप प्रिंट शॉप कैसे बना सकते हैं, कौन से ज़रा हैं और वो किस तरीके से दिखेगा। अगर आप बनाते हैं वर्डप्रेस के अंदर तो आपका किस तरह से दिखेगा, किस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपका किसी भी तरह का प्रिंट हो, चाहे बोतल का प्रिंट हो, चाहे टॉपी का हो, चाहे विजिटिंग कार्ड का हो, या फिर मग का हो, किसी तरह का भी अगर आप प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, टी शर्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं या शर्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादातर टी शर्ट प्रिंट वगैरह ही ज़्यादातर चलता है। तो इस तरह के अगर प्रिंट अपने खुद के कस्टमाइज करवाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। आपने जान लिया कि इस लंबे लॉकडाउन के बाद किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स हो, चाहे किराना का हो या ग्रोसरी स्टोर का हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हो, ऑनलाइन क्लॉथिंग का हो, सिंगल वेंडर हो, मल्टी वेंडर हो, किसी भी टाइप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसको अगर आप ऑनलाइन नहीं लाए हैं या ऑनलाइन आपने किया नहीं है, अगर आपकी सोच है कि आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि आपको यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें, चाहे आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाना हो या सर्विसेज का प्लेटफॉर्म बनाना हो, सिर्फ यही नहीं, बिजनेस को सेटअप करने के बाद, ऑनलाइन लाने के बाद उसका प्रमोशन करना, इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइए का हिस्सा बनिए। कैसे पॉसिबिलिटी है, किस हिसाब से होगा, प्लेट वगैरह जो भी है, जो भी चीजें हैं, जैसे शूज वगैरह कुछ भी आप अगर प्रिंट करना हो तो किस हिसाब से करेंगे। सपोज कि जैसे आपके ये प्रिंट, ये आपका जो कार्ड है, ये आप जस्ट कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, यानी अपनी खुद की डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, तो डिज़ाइन देने के लिए जस्ट आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप इसको अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से प्रिंट का यहाँ पे का हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर आपको लोगो लगाना हो तो जस्ट आप लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो आ जाएगा। जैसे कि आपको अगर कोई बहुत सारी इसमें की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आपको एड ऑन भी मिलेगा, आप इस एड ऑन के अकॉर्डिंग जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इजी स्टेप के साथ। ना कोई नॉलेज की ज़रूरत है, ना ही किसी तरह के ग्राफिक नॉलेज की ज़रूरत है, जस्ट अ ड्रैग एंड ड्रॉप। आप ड्रैग ड्रॉप करके ये सारे प्रिंट का ऑप्शंस अपने कस्टमर्स के लिए, अपने के जो भी क्लाइंट्स हैं उस क्लाइंट्स के लिए दे सकते हैं, चाहे वो शॉप टी शर्ट के लिए हो, चाहे वो प्रिंट जो है आपका मग के लिए हो, या फिर आपका किसी भी टाइप से अगर आपको ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इजी स्टेप है। देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहेंगे वैसा डिज़ाइन आप इसमें दिला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, देख रहे कितने कैटेगरीज हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप इमेजेस, अपने खुद की इमेजेस अगर आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो भी आप अपलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, सोशल मीडिया जो आपकी प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका जो अपना खुद का प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स या डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टैक्स हैं, ये टैक्स जैसे चाहेंगे वैसे आप इसमें टैक्स को आप अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कलर्स जिस हिसाब से करना चाहेंगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल कोई चीज़ इसमें कि इम्पॉसिबल की चीज़ है ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पे शेप, मल्टीपल शेप आप दे सकते हैं, जो भी शेप चाहिए आपको उस शेप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिज़ाइन दे सकते हैं, उसका कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको चाहिए, छोटा बड़ा जैसे जिस हिसाब से आपको करना हो
उस हिसाब से आप यहाँ पे कलर वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे जाए एडजस्ट फिल्टर कलर, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको फिल्टरेशन करना हो या एडजस्ट करना हो, जिस हिसाब से भी करना हो वो की जा सकती है। ठीक है, ये आपका कलर से, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर आपको पसंद आ रहा हो उस तरीके से आप अपने कलर को यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा एक इफेक्टिव चीज़ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत इफेक्टिव चीज़ है, जैसे 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 क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल शेप है, आप इस शेप को जो चाहें, जिस हिसाब से चाहें, जैसा चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल जो है कि जैसे मोशन वगैरह की हैं चीज़ें हैं, कुछ मोशन देना है, कुछ शेप में चेंजेस करनी है, कुछ करने है, इसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड की बात है, बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना हो, लाइनिंग चेंज करनी हो, कुछ लाइनिंग डालना हो, ड्रैग ड्रॉप करनी हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए भी चीज़ें की जा सकती है इसके अंदर, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा यहाँ टेम्पलेट है, टेम्पलेट भी बड़े लाजवाब लाजवाब टेम्पलेट है, एक पर एक टेम्पलेट है। आप जो चाहें वो टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जिस तरह के भी चाहें आप अपना टेम्पलेट ले सकते हैं। सपोज कि ये जो सारे टेम्पलेट है, ये सारे टेम्पलेट आपको कैटेगरी वाइज भी अगर आपको चाहिए तो कैटेगरी वाइज भी आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखें, ये आपका कॉलेज के अकॉर्डिंग, जैसे आपको कॉलेज के सर्च करते हैं तो कॉलेज के रिगार्डिंग जितने भी टेम्पलेट्स हैं सारे आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इवेंट के रहे, इवेंट हैप्पी बर्थडे के अकॉर्डिंग है, इस तरह से बहुत सारे टेम्पलेट, स्पोर्ट्स है, नेचुरल है। जैसे अभी आगे मान लीजिए मैं नेचुरल का सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे नेचुरल सिलेक्ट आ गया। तो इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, वो चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप आपकी खुद की अपनी ऑन कोई इमेज है, उस इमेज को आप डिज़ाइन देना चाहते हैं, उसको अच्छे से मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इजी ऑप्शन है, देखना कितना इजी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी तरह के इमेजेस हो, किसी भी तरह की फाइल हो, वो सारे फाइल को आप डाउनलोड करके एक अच्छा सा, एक बेहतरीन सा डिज़ाइन दे सकते हैं। डिज़ाइन देने के बाद आप उसको, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे जो भी जो आपका डिज़ाइन आ जाए, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल ईजी ऑप्शन से, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे अभी कितना एक पर एक चीज़ें हैं, आप सिर्फ जस्ट ड्रैग ड्रॉप करें और सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। जी हाँ, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, स्पोर्ट्स के हैं, जैसे बच्चों के मतलब का अगर बनाना हो, इस तरह से रिलीजन के मतलब का बनाना हो तो भी बना सकते हैं। एक पर एक चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ी सी मेहनत ये करनी होगी कि आप इसको बस ड्रैग ड्रॉप करें और ड्रैग ड्रॉप करके इसका जो है सब कुछ चेंज कर दें, होलिया चेंज कर दें, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे आप किस सबका ड्रेस भी चेंज करना चाहें, ड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें ये सब चेंज हो गया, तो खैर अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से चाहें आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देखें सब मैनेज हो गया, तो खैर आपने कलर भी चेंज कर सकते, देखिए तो खूबसूरत एक डिज़ाइन बन गया। और डिज़ाइन बनने के बाद जस्ट का इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद इसको आप बाय कर सकते हैं। जैसे बाय करेगा तो बाय करने के बाद ये जो है प्रिंट वाले के पास चला जाएगा और उसके बाद वो जो है प्रिंट भेज देगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें जो इसमें हमें जानना है। ये फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, क्लियरिफाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट या सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये फाइल या ये डिज़ाइन अगर आपको सेव रखना हो तो आप सेव रख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ये डिज़ाइन आ गया, यहाँ पे प्रिंट के बारे में है, जो प्रिंट कितना होगा नहीं होगा, प्रिंट को किस हिसाब से चाहिए, पिक्सल में चाहिए, कस्टमाइज जो भी चाहिए, ये आपका शेप्स हैं, सारे शेप्स हैं। अगर आप ये चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं तो भी आप शेयर कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे और क्लिक करके अपने डिज़ाइन को आप इसमें शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी टेम्पलेट है उस टेम्पलेट का नाम डालेंगे और टेम्पलेट का नाम डाल के उसको जो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्या ना कलीग के साथ, या फिर अपने जो एक जानने वाले हैं उसको दिखाना चाहते हैं अगर तो कोई अगर तो वो ऐसे सूरत में ये भी चीज़ें की जा सकती है। जैसे ये देखें,
ये अभी डिज़ाइन बन चुका है, अब इस लिंक को अब जिसको भी शेयर करेंगे वो आपके जो डिज़ाइन है उसको देख सकते हैं, बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी हाँ, देख लो, खूबसूरत सा डिज़ाइन आ गया। तो खैर, इसके बाद अगर इसका चेकआउट करना है तो चेकआउट करके आप ले सकते हैं। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट पे, जैसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया। जस्ट चेकआउट पे क्लिक करेंगे, चेकआउट पे क्लिक करने के बाद हाँ ये चीज़ इसको ऑर्डर कर सकते हैं। फिर ये ऑर्डर जाएगा प्रिंट शॉप वाले के पास, फिर प्रिंट शॉप वाले इस ऑर्डर का ऑर्डर उठाएंगे और ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका जो प्रिंट है उस प्रिंट को निकाल के आपके घर तक पहुँचा देंगे। तो इस तरह के बड़े बेहतरीन सुविधाएँ हैं जहाँ पर आज हर चीज़, चाहे खाने से, खाने पीने से लेकर आपके नाई तक की जो सर्विसेज हैं या होम सर्विसेज, सब ऑनलाइन है। इसी तरीके से आप प्रिंट की जो सर्विसेज हैं, ये भी चीज़ आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। देखिए, जब हर तरह की चीज़ें के जब ऑनलाइन आ चुका है तो प्रिंट क्यों नहीं आ सकता, सब पॉसिबिलिटी है। कोई भी चीज़ आज के डेट में नामुमकिन नहीं है। तो खैर, हम जो यूज़ करेंगे इस प्रिंट शॉप के लिए वो एक जस्ट प्लगइन होगा। वो प्लगइन है प्रोडक्ट डिज़ाइनर फॉर ई कॉमर्स। ये जो प्लगइन है, ये प्लगइन हम यूज़ करते हैं, यूज़ करेंगे। इसमें जो कि हमने के यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो इसी के प्लगइन की मदद से यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लगइन में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से काम करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें आज के इस वीडियो में जानना है। ठीक है, तो ये देखें, इसका इस तरह से डैशबोर्ड है, ये प्रीमियम डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आपको सारे टूल्स मिलेंगे जो भी के नीड्स है प्रिंट के लिए, या प्रिंट सर्विस के लिए, या प्रिंट स्टोर्स के लिए, चाहे वो प्रिंट एक टी शर्ट का हो, चाहे वो प्रिंट आपका बैग का हो, मग का हो, शूज़ का हो, या स्नेकर का हो, या कार्ड का हो, स्टिकर हो, या फिर आपका टी शर्ट हो, या बैग हो, कैप हो, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, शर्ट है, या इस तरह से आपका टी शर्ट से कुछ भी जो आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, वो चीज़ें आप इसमें जस्ट ड्रैग ड्रॉप करके उसका अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जस्ट ड्रैग ड्रॉप के अकॉर्डिंग ही आपका प्रिंट निकलेगा। जैसे ये देखें, इस तरह का आपका इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे सब इंटरफेस के दिए हुए हैं, सारे इंटरफेस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ सब कुछ आपके इंटरफेस में दिया हुआ है। ये आपका फाइल एडिटर है, इसमें ये आपका फाइल ये मास्क लेयर है। आप इसमें डिफरेंट मास्क लेयर भी आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो फाइल है वो फाइल इधर उधर भटकेगा नहीं। इसके अलावा शेयर डिज़ाइन, यहाँ पे आपका डिज़ाइन शेयर होगा। इसके अलावा फ़ोटो इफेक्ट, अगर कोई फ़ोटो में इफेक्ट डालना चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, इसमें बिल्कुल ईजिली फ़ोटो में इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अनलिमिटेड जो है ना, आपका प्री बिल्ट डिज़ाइन ऑलरेडी टेम्पलेट अवेलेबल है। आप अगर खुद के अपने टेम्पलेट को ना लेकर के अगर आप जो प्री बिल्ट डिज़ाइन है तो प्री बिल्ट डिज़ाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी के इस चीज़ का है कि आपको आज़ादी है इस चीज़ के डिज़ाइन में, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन आप दे सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सारे चीज़ें आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पे पावरफुल फीचर्स आपके इसके अंदर का मिलेगा। इसके अलावा क्विक वर्क फ्लो मिलेगा कि आप किस तरीके से करें क्विक वर्क फ्लो, यानी आप मोबाइल से अगर करते हैं तो मोबाइल से भी इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड प्रिंट का मेथड मिलेगा कि आपको चाहे जिस तरह के भी चाहिए उस तरह के भी प्रिंट का मेथड आपको ये आपका मोबाइल में भी सपोर्ट करेगा, टैबलेट में भी सपोर्ट करेगा, डेस्कटॉप लैपटॉप में भी सपोर्ट करेगा। एक बात और, इसे मल्टीपल लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी और अरबी के, हाँ, या फिर आपका आर्टिकल जो सपोर्टेड लाइन के आपका जो राइट हैंड वाली जो लैंग्वेज है उर्दू है, अरबिक, इन सारे जो फीचर्स अवेलेबल हैं। इसका जो टॉप फीचर्स के अंदर है, रेडी टू प्रिंट जो प्रिंट होगा इसके अंदर, इसका प्री बिल्ट डिज़ाइन टैम्पलेट आपको इसके अंदर मिलेगा। इसका मोबाइल एंड टैबलेट सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा का सपोर्ट मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप, यानी एट अ
टाइम आपको मल्टीपल टाइप प्रोडक्ट सपोर्ट करेगा, जैसा टी शर्ट हो गया, मग हो गया, हर तरह का प्रोडक्ट आप इसमें ले सकते हैं। मल्टी लैंग्वेजेस हैं, प्री के रिसोर्सेज हैं, प्री रिसोर्सेज का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, आपका फोटोज़ हो गया, कैमरा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो यहाँ से भी आप फोटो ले सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के आपको यहाँ पर डिज़ाइन आप अपने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपने जो फोटोज़ है फोटोज़ को क्रॉप कर सकते हैं, ऑटो स्नैप की चीज़ें भी अवेलेबल है। तो ये बहुत सारे जो फीचर्स हैं इसमें अंदर आपको मिलने वाला है। जहाँ तक रही बात अपडेट एंड सपोर्ट की, इसके अंदर बहुत सारे अपडेट एंड सपोर्ट्स आते रहते हैं। ये लाइफ टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा, जब अगर आप एक टाइम बाय कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलता रहेगा। तो इस तरह की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत एक अच्छी चीज़ें हैं। आप अगर इसका डैमो देखना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल इसका डैमो भी देख सकते हैं कि आप डैमो में क्या क्या आपको मिलने वाला है, किस किस तरह से मिलने वाला है। इसका जो एडमिन पैनल है वो एडमिन पैनल किस तरह का रहेगा, ये है आपका फ्रंट एंड डैमो। आप और ये आपका जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये है फ्रंट एंड डेमो। जब आप किसी चीज़ पर क्लिक करेंगे तो ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ पे देखेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी का आपका प्रोडक्ट्स है या जो आपकी चीज़ें हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, इसका यहाँ पे जैसे आपका कॉलेज का फ्रेम है या फोटो है, इन सारी चीज़ों को ईजिली कस्टमाइज भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ प्रोडक्ट आपका अपना खुद का अगर डिज़ाइन है या मोबाइल का कवर्स वगैरह है तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद यहाँ पे आप जस्ट चेकआउट पे क्लिक करके इसका जो इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, और ऑर्डर करके ये जो है कि अपने प्रिंट के लिए भेज सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद इसके जो बैकएंड की बात आती है, सारे बैकएंड के प्रोसेस हैं, इस बैकएंड में आपको क्या क्या मिलेगा, किस किस हिसाब से काम करेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अवेलेबल हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो देखे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, इस ऐड टू कार्ट का ऑप्शन में आप कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई डिस्काउंट है या डिस्काउंट जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी की जा सकती है। इसका जस्ट यहाँ पे ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जस्ट फिलअप करनी है एड्रेस, फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात पेमेंट गेटवे की, तो पेमेंट गेटवे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें, जिस हिसाब से चाहें पेमेंट गेटवे आप लगवा सकते हैं, चाहे आप इंडियन का हो या पेपाल का हो या बिटकॉइन हो, कुछ भी जो भी पेमेंट गेटवे आप लगाना चाह रहे हैं, UPI, गूगल पे, फ़ोन पे, हर तरह के पेमेंट गेटवे अवेलेबल हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग ये पेमेंट गेटवे भी लगवा सकते हैं। तो है ना कमाल की चीज़। अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि आप अपना जो प्रिंट के जो शॉप है, या प्रिंट शॉप है, किसी भी चाहे वो किसी भी तरह का प्रिंटेड हो, चाहे वो फ्लैक्सी बोर्ड हो, टी शर्ट प्रिंट हो, मग प्रिंट हो, इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन की जा सकती है। जी हाँ, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।